all, I will introduce myself. Myself Umesh Patiyar. I am the center head here and course moderator for CDS of CAT, OT and Multimedia courses and SSB in charge. Thing is that during this period of 4 months, 6 months and 1 year, you will be here for the proper trainings, academic classes, followed by the, your extracurricular activities, which will improve your confidence to become a defense officer. आपको पता होना चाहिए how many qualities are there to become a defense officer. There are 15 optional qualities. तो ये optional qualities आपको यहां जनरेट होनी है. अब आप सोच लीजिए, चॉइस इज योर. देर इज नो अल्टरनेट. इफ यू गॉट अ जोश, जुनून विद यू, आपके अंदर कुछ करने की ललक है, आपका अगर एटीट्यूड पॉजिटिव है टुवर्ड्स योर करियर, योर पोजिशन ऑफ माइंड इज गुड, योर कम्युनिकेशन स्किल इज गुड, योर फिजिकल फिटनेस इज गुड, nobody can stop you to become a defense officer. Okay, gentlemen? Yes, sir. So this is the requirement. यहां जो डिफेंस अकेडमी में कुछ सर्टेन रूल रेगुलेशन हैं जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे, जिससे कि आपको आगे मदद होगी आपको कैरियर में सक्सेस होने के लिए. सबसे पहले नंबर वन, कमिंग इन टाइम द क्लासेस ऑल द वे. जब आप हॉस्टल से आते हैं अपनी सेफ्टी रखते हुए प्रॉपर यूनिफॉर्म, योर टर्न आउट हैज टू बी करेक्ट, हेयर कटिंग, योर आई कार्ड शुड बी अराउंड द नेक, और आपको अपना सिक्योरिटी चेक पोस्ट से निकल करके अपने क्लासरूम में बैठना है. मेंटेन डिसिप्लिन इन द क्लासरूम बिफोर द टीचर्स कमिंग. अंडरस्टूड? जो आपके डाउट्स हैं उसको लिख के लाइए, जो भी आप पूछना चाहते हैं. इसके साथ अकेडमिक क्लास के बाद जब आपका रिटन एग्जाम क्लियर होगा, यू विल बी प्रिपेयरिंग फॉर द सर्विस सिलेक्शन बोर्ड. तो कुछ चीजें मैं बता दूं जो आप अकेडमिक क्लास के साथ साथ एसएसबी के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं. जैसे नंबर वन, जैसे कि यहां पर फिजिकल फिटनेस दी जाती है, तो रेगुलर अटेंड करिए फिजिकल फिटनेस को. और एक्स आर्मी पीटीआई विल बी देयर, वो आपको रेगुलर बेसिस पे फिजिकल फिटनेस कराएंगे. अंडरस्टूड? स्पोकन इंग्लिश क्लासेस, दीज क्लासेस आर वेरी इंपॉर्टेंट आपको सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के लिए. अंडरस्टूड? फिजिकल फिटनेस आपके जो ऑब्स्टिकल ग्राउंड देखा आपने इधर, यस, तो अपने अंदर एक सामर्थ्य लाइए, स्ट्रेंथ लेके आइए टू कंप्लीट ऑल द टास्क. जो हिंदी में बातें करते हो इंग्लिश में बातें करिए. अंडरस्टूड? तो हेजिटेशन रिमूव करिए, डरिए मत. ये सोचिए कि बस आपको 4 महीने में सिलेक्शन लेना है स्ट्रेट वे. आपको कोई दिक्कत आती है स्ट्रेट वे, वहां पर हम एकेडमी गेट सर है, वहां पर मेरा सर है, आई एम देयर इन एसएसबी मैनेजमेंट सेल्स, आपको लुकआउट करने के लिए है, एसडीओ है, स्टूडेंट डेवलपमेंट ऑफिसर्स है. तो आप अपनी प्रॉब्लम को बताइए, बट हमारी तरफ से आपसे चाहिए कि सिर्फ आपको डिसिप्लिन हैज टू मेंटेन योर रिस्पेक्ट, अनुशासन बना के रखना है. देयर इज नो अल्टरनेट. अदरवाइज बिकॉज वी आर फ्रॉम डिफेंस फोर्सेस, तो यहां आपको पता है कि डिफेंस का पनिशमेंट भी चल सकता है. अंडरस्टूड? चाहे हॉस्टल में है, चाहे अकेडमीज में है, आपको एक दूसरे से फ्रेंड सर्किल में रहना है, आपको एक दूसरे से मैनर्स में बात करनी है, अपने टीचर्स की रिस्पेक्ट करनी है. इफ यू आर मार्चिंग वन प्लेस टू अनदर प्लेस, आपको सेफली मार्च करना है, एक दूसरे कंधे में हाथ रख के नहीं चलना है. स्ट्रेट वे फौजी हो, क्या बोलोगे? दिस इज द रिक्वायरमेंट. हमारे जो है अकेडमिक हेड है उदय मेहरा सर, सबसे पहले मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि सर शेयर सम वर्ड्स फॉर ब्लेसिंग फॉर द स्टूडेंट्स. हाउ आर यू ऑल? क्लासेस आपकी स्टार्ट हो गई है एंड कैसे चल रही है? ऑल गुड. अभी अकेडमिक सेशन आपका स्टार्ट हो चुका है और कई बार ऐसा होगा कि आप फील करोगे डैट कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा है, या टीचर का कुछ भी जो मेथड होता है, मेथड ऑफ टीचिंग, उसमें आप कंफर्टेबल नहीं हो रहे, है ना, कोई भी आपको दिक्कत आ रही है अकेडमिक्स में, तो सबसे पहले आप अपनी फैकल्टी से बात करें, उनको बताएंगे कि सर ये टॉपिक मुझे क्लियर नहीं हुआ है. अगर आप उनसे अलग से टाइम लेना चाहते हो और उनके पास टाइम है तो वो आपको देंगे, आपको सैटरडे को बुलाएंगे या अलग से सेशन आपका करेंगे. वहाँ से अगर आप इफ्यू फील कि आपके डाउट्स रिजॉल्व नहीं हुए, ठीक है, तो फिर आप मेरे पास आ सकते हैं. इसे क्लियर? यस सर. इसके अलावा किसी को कोई भी प्रॉब्लम आती है पढ़ाई को लेकर, आपका टाइम टेबल सेट नहीं हो रहा है, ठीक है, आपका मन नहीं लग रहा है पढ़ाई में, या कुछ और भी इशू है, तो उसके लिए भी आप मेरे पास आ सकते हैं. समझ आ रही है बात? फील फ्री टू अप्रोच मी. मैं क्लास में आके आपको यहाँ पर मेरा जो अपना फ़ोन नंबर है
और ईमेल आईडी वो मैं आपको दूंगा, ताकि आप उस पर अपनी क्लासेस का कोई भी आपका फीडबैक होगा किसी भी तरीके का वो आप वहाँ पे आप मुझे दे सकते हैं डायरेक्टली। समझ आ गई बात? बिल्कुल भी आप ये मत सोचना है कि आपका एडमिशन हो गया है यहाँ पे और अब हमने आपको यहाँ पे खाली छोड़ दिया कि बस अब आप पढ़ो चार महीने और उसके बाद आप चले जाओ, ऐसा नहीं होगा बिल्कुल नहीं। किसी भी तरीके के कोई भी इशू फेस करोगे आप डायरेक्टली आप फीडबैक आप दे सकते हो उस पर, आप अपनी फैकल्टी से आप खुल के बात कर सकते हो, कोई भी किसी से भी आपको झिझकने की जरूरत नहीं है, आपको वो डर अपना निकालना पड़ेगा। समझ आ रही बात? ठीक है, ड्रीम किसका है? एनडीए में क्वालिफाई करना, एनडीए में ऑफिसर बनना आप ही का है ना? पूरा कौन करेगा उसको? आप ही करोगे। फैकल्टी आपको सिर्फ गाइड करने के लिए है, वो आपको डायरेक्शन बताएगी और चलना आपको है। यहाँ पे आप कितने घंटे के लिए हो? चार घंटे की क्लासेस है आपकी, दो एक बायोकेमिस्ट्री और लगा लेते हैं और स्पोकन इंग्लिश और लगा लेते हैं, छः घंटे आप हमारे पास हो, बाकी के 18 आवर्स वो आपके अपने हैं। अब उस 18 आवर्स में आप क्या कर रहे हो अपने हॉस्टल में जाके, डैट विल डिसाइड कि आप आगे ऑफिसर बन पाओगे या नहीं बन पाओगे। जितने भी डिस्ट्रैक्शंस हैं आपकी लाइफ में, ज़्यादातर हम लोग फ़ोन रखते हैं अपने पास, फ़ोन में सोशल मीडिया भी चला रहे हैं, इंस्टाग्राम हो गया और ये सब चीज़ें, जितने भी डिस्ट्रैक्शंस हैं सिर्फ 6 महीने के लिए उसको आप हटा दो अपने जीवन से। ठीक है, हटा दोगे अपनी एप्लीकेशन सारी बंद कर दोगे ये इंस्टाग्राम और ये सब, तो आपका कोई नुकसान नहीं होने वाला है, कोई आपसे पूछने नहीं आएगा यार दोस्त तूने फेसबुक क्यों बंद कर दिया अपना, बंद कर दो उसको सब कुछ, सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करो। जो टीचर्स आपको बता रहे हैं, जो डायरेक्शन आपको दे रहे हैं, जो सोर्सेज आपको बता रहे हैं पढ़ाई करने के लिए, वो पढ़ाई आपको कर दिया। बस एक बार आप इतने हमारे एक्सपीरियंस टीचर्स हैं सारे, अगर आप उनके एक्सपीरियंस का फायदा उठा लोगे तो आप आराम से आप एग्जाम क्रैक कर पाओगे। ठीक है, लेकिन अगर आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे, बहुत सारी यूट्यूब पे वीडियोस आती हैं, ठीक है, लेकिन उनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होती, उनकी कोई आंसरेबिलिटी नहीं है कि आप उनसे क्वेश्चन पुट अप कर पाओ ऑनलाइन पे। लेकिन यहाँ तो टीचर आपके सामने, आपको कहीं भी कोई डाउट आता है आप अपने टीचर को अप्रोच कर सकते हो, ऑनलाइन में ऐसा नहीं होता है ना। तो थोड़ा सा अपना दिमाग को खोल के रखना, किसी की ज़्यादा इधर उधर की बातों में नहीं आना है, जो बस आपको टीचर्स बोल रहे हैं अपना अपनी पढ़ाई को बिल्कुल सिंपल रखना है, उसको कॉम्प्लिकेट नहीं करना है। कई बार बच्चे होते हैं कि यहाँ पे आप आ गए हो, यहाँ पे आपने फीस दे दी है, उसके बाद कोई सस्ता कोर्स पकड़ लिया, 2,000, 3,000, 4,000 के कोर्सेज मिल रहे हैं आजकल। अब उससे भी आप दो दो जगह आप पढ़ोगे किसी चीज़ को, कोई भी टॉपिक है, सपोज फॉर एग्जांपल मैथ्स, मैथ्स आपकी फैकल्टी ने अलग तरीके से समझाया, दूसरा ऑनलाइन में किसी और ने दूसरे तरीके से समझाया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उनका गलत होगा, हो सकता है उन्होंने भी सही बताया और इधर भी सही बताया, लेकिन मेथड अलग अलग है। अब आप क्या करोगे, आप कन्फ्यूज हो जाओगे यार किसका मेथड मैं पकड़ूँ, अब एग्जाम में पता लगा वो फिर गलत कर दिया, क्योंकि आधा दिमाग आधा वहाँ पे रहेगा दिमाग और आधा इधर रहेगा दिमाग। तो अगर आपने दून डिफेंस अकेडमी पे फेथ किया है, कॉन्फिडेंस है आपको, है ना, किसी विश्वास से तो आए ना आप यहाँ पे, तो वो विश्वास आपको रखना पड़ेगा। समझ आया? किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत होती है पढ़ाई से रिलेटेड, फर्स्ट यू हैव टू अप्रोच योर फैकल्टी, वहाँ से रिजॉल्व नहीं होता तो फिर आप सीधा मेरे पास आना। यहाँ पे आप आ चुके हो अभी, एनडीए में आपने यहाँ के कोर्स में एडमिशन ले लिया है, ये हुआ है बिकॉज यू आर कमिटेड टू योर गोल, आपने स्टार्ट कर दिया है, वो जर्नी आपकी स्टार्ट हो गई है, आपने एक सपना देखा था, उस सपने का पहला स्टेप आपने ले लिया बिकॉज यू आर कमिटेड। बट अभी उस ड्रीम को कंप्लीट करना है, पूरा कैसे होगा? वो पूरा होगा जब आप कंसिस्टेंट रहोगे। अगर आपको अपनी वो जर्नी कंप्लीट करनी है ना सक्सेस की, यहाँ पहुँचना है कि भाई एनडीए में खड़कवासला में, तो वो होगा अगर आप कंसिस्टेंट रहोगे, क्लासेस में आप रेगुलर अपनी अटेंडेंस दोगे, हमारे जो मॉक टेस्ट हैं, हमारी मॉक टेस्ट की जो ऑफलाइन और ऑनलाइन जो टेस्ट होते हैं उसको जब आप रेगुलरली आप करोगे, जो लास्ट में होता है, और जो वीकली टेस्ट होंगे हमारे, अगर आप यहाँ पर परफॉर्म करोगे तो आपको एनडीए में एग्ज़ाम क्रैक करने के चांसेस बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाते हैं। तो कंसिस्टेंसी इज़ इम्पॉर्टेंट, ये की है। अगर कंसिस्टेंट नहीं रहोगे कि चार दिन आए, छः दिन छुट्टी ले ली, फिर दो दिन कहीं और चले गए, घूमने चले गए, इधर उधर हो गया, तो पढ़ाई में ब्रेक हो जाएगा और फिर दोबारा से रीस्टार्ट नहीं हो पाएगा, तो दिक्कत हो जाएगी। इज इट क्लियर और नॉट? ठीक है, तो अभी मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, सर आ चुके हैं हमारे बीच और मैं आपसे फिर क्लास में मिलता हूँ और फिर बाद में हम पढ़ाई की बात करेंगे। क्लियर? डोंट मिस योर क्लासेस, रेगुलर बेसिस पे क्लासेस में आए, सक्सेसफुल विद या। नाउ डायरेक्टर सर विद अस, रिक्वेस्ट डायरेक्टर सर टू प्लीज कम फॉरवर्ड फॉर द वेलकम। जय हिंद, जय हिंद। आई लॉट टेक मच टाइम, क्योंकि ऑलरेडी आपको हमारे एकेडमी हेड ने बुनियादी समझे एक्सप्लेन कर दिया है, बट फिर भी कुछ पॉइंट्स हैं
I would like to discuss for the betterment or you can say result oriented जो हमारा ये बोर्ड चलेगा उसको ध्यान में रखें। कुछ बातें मैं आपको जरूर कहना चाहूँगा। आप सब लोग अपने अपने घरों से कुछ सपने लेके निकले हैं। कोचिंग सेंटर, ट्यूशन पॉइंट्स सभी जगह हैं, आपके शहरों में भी होंगे जहां से आप आए हैं। बट अगर आपने यहां आने का चुना है, यहां आए हैं, तो कुछ उम्मीद लेके आए हैं कि आपको वो शायद जो वहां ना मिले वो आपको यहां मिले। कुछ देख के आए हैं, हमारा ट्रैक रिकॉर्ड, 19 साल का जो ये एक्सपीरियंस है, रिजल्ट है, वो सब देख के आए हैं। ठीक है, वो एक पार्ट है, बट हमारे पास भी कोई जादू की झड़ी नहीं है कि हमने घुमाया और काम हो गया। इट्स नॉट लाइक दैट। यस, ऑफ कोर्स एक्सपीरियंस है, जुनून है, एक यूनिफॉर्म जो कभी मेरे शरीर पे थी, और यहाँ पे बहुत सारे ऐसे फैकल्टी स्टाफ हैं जो एक्स डिफेंस से हैं, उनके शरीर पे थी, वो आप तक पहुँचाने का सब जुनून है, सपना है। और 19 सालों से इसी जुनून के साथ, इसी उद्देश्य के साथ, इसी एम के साथ हम आने वाली जनरेशन को उनका मार्गदर्शन करते आ रहे हैं। दून डिफेंस अकेडमी इज नॉट अ बिजनेस फॉर मी। ऑफकोर्स वो पार्ट भी हमको देखना होता है, बिकॉज वी हैव टू रन दिस शो, वी हैव इंफ्रास्ट्रक्चर, फैकल्टी स्टाफ, देयर आर सो मेनी थिंग्स जो इसको लुक आफ्टर हमको करना है। बट इट्स नॉट ओनली अ प्योर बिजनेस फॉर अस, एटलीस्ट फॉर मी, एटलीस्ट फॉर दोज हु आर वर्किंग इन दिस अकेडमी। वी हैव डिफरेंट यू नो एम्बिशंस, गोल्स, और हमारा जो सबसे बड़ा जो हमारी उम्मीद रहती है कि स्टूडेंट्स सेलेक्ट होके जब यहाँ पे आए यूनिफॉर्म में, उस दिन हमारी गुरु दक्षिणा पूरी होती है। और पिछले 19 सालों में लगभग 13,000 से ज़्यादा स्टूडेंट आज मेरे इंडियन आर्म फोर्सेज में हैं, भारतीय नेवी में हैं, फ्रॉम लोअर रैंक टू टॉप रैंक, आप बोल सकते हैं कर्नल तक के रैंक में। आज अगर यू आर टॉकिंग अबाउट आर्मी, आज दून डिफेंस अकेडमी के स्टूडेंट्स हैं और बहुत सारी जगह अपनी सेवाएँ दे रहे हैं, अपने देश के लिए काम कर रहे हैं, अपने परिवारों के लिए काम कर रहे हैं, अपनी फैमिलीज के लिए उनको लुक आफ्टर कर रहे हैं और एक अच्छी लाइफ जिंदगी अपनी बिता रहे हैं। आने वाले टाइम में अभी एनडीए का फॉर्म आने वाला है, लाखों लाखों बच्चे पूरे हिंदुस्तान से फॉर्म भरेंगे, सिर्फ आप लोग ही नहीं होंगे, आपको मालूम है, और कुछ हजारों में रिटर्न टेस्ट क्वालिफाई करेंगे, ये भी आपको मालूम है, और कुछ सैकड़ों में खड़क बासला जाएंगे, ये भी आपको मालूम है। अब लाखों से सैकड़ों तक का सफर कैसे वहां तक पहुंचना है, क्योंकि अपॉर्चुनिटी जब एक फॉर्म निकलता है सबके लिए बराबर रहती है, किसी के लिए भी, चाहे वो कहीं भी पढ़ रहा हो, कोई भी इंस्टीट्यूट में हो, अपना खुद से तैयारी कर रहा हो, कोई भी शहर, कोई भी कस्बे, कहीं का भी हो, सबके लिए अपॉर्चुनिटी बराबर है, किसी को कोई एक्स्ट्रा एडवांटेज नहीं है, इसमें कोई रिजर्वेशन नहीं है, फौज के अंदर कोई रिजर्वेशन नहीं है, आपको मालूम ही है। तो क्या कारण है, क्या रीजन होता है वो कि वो लाखों जब फॉर्म भरते हैं कुछ सैकड़ों तक वहां पहुंचते हैं, तो वो जो सैकड़ों में यानी कि 400-500 जो भी वैकेंसी आती है उसमें आते हैं, वो क्या एक्स फैक्टर उनमें होता होगा जो वहां तक पहुंचते हैं, वो चीज को आपको ध्यान में रखना है। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई किसी तरह का अंधविश्वास नहीं है, कोई भगवान कहीं से हेल्प नहीं करेगा ऐसे करके कुछ हो जाएगा, ये आपको खुद करना है विद द गाइडेंस ऑफ डीडीए। गाइडेंस चाहिए आपको, इसलिए आप यहां पे आए हैं, और गाइडेंस राइट डायरेक्शन में। मेहनत हजारों लोग करते हैं, बट सिंपल मेहनत करने से सक्सेस नहीं मिलती। मेहनत हार्डवर्क विद स्मार्टनेस, उससे सक्सेस मिलती है। वो आपको अभी मालूम नहीं है, इसीलिए आप यहाँ पे आए हैं। वो एक्स फैक्टर जो मैं अभी इसकी बात कर रहा हूँ, उस एक्स फैक्टर के लिए आप यहाँ पे आए हैं, और बिलीव मी, जो
जो भी वो फॉलो करता है, कुछ भी काम स्टार्ट करते हैं तो शुरू शुरू में जोश रहता है, बट धीरे धीरे विद द टाइम बहुत सारी चीजें ऑब्स्ट्रक्चर जो आ जाते हैं और फिर वो जोश कम हो जाता है, फिर लगता है कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, ये टाइम टू टाइम होता रहता है, फिर मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है। मोटिवेशन आपको अपने अंदर खुद ही देखना है, नो बडी कैन मोटिवेट यू अंटिल अनलेस आप अपने आप को खुद मोटिवेट नहीं कर सकते। तो उसके लिए जब भी आप सुबह उठते हो, अपने आप को जब आप मिरर में देखते हो फर्स्ट टाइम मॉर्निंग में, तो अपने आप को आपको इमेजिन करना है कि आप यूनिफॉर्म में हो, आप एक सिंपल लड़का नहीं हो या लड़की नहीं हो, आप एक यूनिफॉर्म में हो, अपने आप को वो इमेजिन करना है शीशे के अंदर जो आप देखते हो, और जो शीशे के अंदर आपको दिख रहा है उससे आपको सवाल करना है कि क्या वो कर सकता है कि नहीं कर सकता। और अगर आपकी तैयारी सही डायरेक्शन में चल रही है, आप डिस्ट्रैक्ट नहीं है, तो आंसर यही आएगा कि कर सकता है, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, कहीं और कुछ खोजने की जरूरत नहीं है, वो जो शख्स आपको मिरर में दिख रहा है वही आपको बता देगा कि वो कर सकता है कि नहीं कर सकता। राइट तो जिस तरह का भी आपको यहां पे अभी आने वाले टाइम में, कभी एग्जाम बहुत ज्यादा दूर नहीं है, 1 सितंबर को आपका एग्जाम है, हार्डली आपके पास 4 महीने हैं, अभी 10-11 तारीख को नोटिफिकेशन भी आने वाला है। स्मार्ट वे में जैसा आपको हमारी फैकल्टी यहां पे पढ़ाएंगी, जितना कंटेंट आपको मिलेगा, जो भी मॉक टेस्ट सीरीज यहां पे चलेगी, उमेश सर ने भी आपको बताया, वीकली टेस्ट चलेंगे, अगर आपने उतना भी उतनों को भी फॉलो कर लिया, नॉट ओनली यू विल क्वालिफाई बट यू विल कम इन मेरिट लिस्ट, दैट इज इन इट्स अ गारंटी, अगर उतना कर लिया तो। होता क्या है, डिस्ट्रक्शन हो जाता है 10 YouTube चैनल आजकल, 100 YouTube चैनल आजकल, आपको टीचर पढ़ा रहा है, किसी ने आपको कोई वीडियो फॉरवर्ड कर दिया किसी का भी, किसी टीचर का, तो आपको वो अच्छा लगने लगेगा, ये ज्यादा सही है ना। कुछ दिन बाद और आप देखने लगोगे, कुछ दिन बाद और कुछ और देखने लगोगे, 2-2, 3-3 हजार रुपए में कोर्स बिक रहे हैं मार्केट में, आपको लगता है ये, क्योंकि नाम बड़े बड़े हैं, हजारों लाखों में सब्सक्राइबर है, तो आप सोचते हो कि ये ज्यादा सही है, इट्स नॉट लाइक दैट। अगर आपने कोई संस्था चुनी है, आपने कोई गुरु चुना है, आपने कोई टीचर चुना है, आपको कोई स्टडी मेटेरियल मिला है, तो उस पे फिर आपको फेथ रखना है, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। लास्ट रिटर्न टेस्ट में जो एनडीए का 100 से ज्यादा स्टूडेंट क्वालिफाई किए थे, सबके फोटो लगे हैं, और संदीप सर दून डिफेंस अकेडमी में अगर कोई इंफॉर्मेशन मिल रही है, कोई जानकारी मिल रही है, तो 100% ऑथेंटिक होगी वो, उसमें 1% का भी ऐसा नहीं होगा कि झूठ हो, ये मेरी पहली प्राथमिकता है, यहां जो होगा वो सच होगा, नहीं तो नहीं होगा, गलत होता ही नहीं है यहां पे, इसके मैं डेड अगेंस्ट हूं, ये चीज मान के चलो आप। तो इसलिए आने वाला टाइम जैसा आपको यहां पे, जब जब यहां पे आपको इंस्ट्रक्शन मिलते हैं, प्लीज फॉलो दोज इंस्ट्रक्शंस गाइडलाइंस, फिर कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। पहला टारगेट रिटर्न टेस्ट, स्टेप बाय स्टेप, अभी सीधे जंप मत करना कि एसएसबी का क्या होगा, पहला टारगेट है आपका रिटर्न टेस्ट, साथ साथ जो आपकी स्पोकन इंग्लिश और पीटी और फिजिकल ट्रेनिंग चलेगी वो आपको प्रिपेयर करेंगी एसएसबी के लिए ऑटोमेटिकली। एसएसबी कोई ऐसी चीज नहीं है जो कहीं और से या कुछ और होता हो, कुछ टेक्निक्स हैं वो आने वाले टाइम में हम आपको बता देंगे, बट एज ऑफ नाउ आपका पूरा का पूरा फोकस टारगेट होना चाहिए पहले रिटर्न टेस्ट क्वालिफाई करने। इज दैट क्लियर? धून डिफेंस अकेडमी का ऐप डाउनलोड कर लेना, त्रिशक्ति के नाम से, जो हमारे गूगल ऐप पे अवेलेबल है, गूगल प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, हमारे जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उनको ज्वाइन कर लेना, क्योंकि उसमें ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहती है। मैं इसलिए नहीं गया हूँ कि मुझे अपने सब्सक्राइबर बढ़ाने हैं, आई डोंट ब्लेम इट, मेरे सब्सक्राइबर या जो मेरे अकेडमी के चाहने वाले हैं, जिनको जो हमें पसंद करते हैं, वो वर्चुअल दुनिया के नहीं है, वो जो ओरिजिनल है, जो हजारों लाखों की संख्या में, मुझे वर्चुअल दुनिया से कोई मतलब नहीं है ज्यादा, इसलिए मैं ज्यादा मेरे ध्यान भी नहीं देता हूँ, बट फिर भी इसलिए क्या हूँ क्योंकि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको मिलती रहेगी। जैसे आज ही मैंने अभी थोड़ी देर पहले अग्निवीर नेवी एसएसआर का एंट्री का
जो है वो नोटिफिकेशन आए वो भी डाला है जस्ट थोड़ी देर पहले, वो सारी चीजें आपको मिलती रहेंगी, इसलिए कह रहा हूं मैं आपको टाइम टू टाइम जो भी एक्टिविटी चलेगी उसकी इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी, वीकली टेस्ट चलेंगे उसकी इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी, टाइम टेबल क्लासेस के, और देयर विल बी सो मेनी अदर डिफरेंट थिंग्स लाइक अभी नेक्स्ट मंथ इंडियन मिलिट्री अकेडमी की पासिंग आउट परेड है, आई थिंक 8th या 9th जून को उसकी पासिंग आउट परेड है, एवरी ईयर होता है 2 बार, समर में विंटर में, और दूर डिफेंस अकेडमी के बहुत सारे स्टूडेंट्स को मौका मिलता है वहां पे जाने के लिए, आप लोगों को भी उसका मौका मिलेगा, उसके लिए हम एक टेस्ट रखेंगे क्योंकि वहाँ लिमिटेड सीट्स रहती है, आई थिंक 200 के करीब वो हमको एंट्री अलाउ करते हैं, हम ट्राई करते हैं कि सभी को मौका मिले अगर वहाँ से हमको परमिशन हो, अदरवाइज सपोज अगर हमको 200 स्टूडेंट्स का इन्विटेशन मिला तो आप में से ही वो होंगे, उसका एक टेस्ट होगा, वो जो टॉप 200 स्टूडेंट होंगे उनको मौका मिलेगा इंडियन मिलिट्री एकेडमी की लाइव पीओपी देखने के लिए, और आई डोंट थिंक सो इससे ज्यादा मोटिवेशन कहीं और मिल सकता है नहीं। yes, sir! जिंदगी में एक चीज ध्यान रखना, हर एक चीज जो टाइम के अकॉर्डिंगली की जाए वो ज्यादा यू नो मायने रखती है, ऐसा नहीं कि टाइम से पहले या टाइम से बाद कुछ करना, उसका कोई फायदा नहीं। घूमना फिरना मोबाइल पे जो आज के डेट में 2-3-4 घंटे आप बिता रहे हो, लोग बिताते हैं, आई डोंट नो, उसको एकदम बंद करना है, टाइम नहीं है आपके पास, उसके लिए पूरी जिंदगी बड़ी है, अपने आप को उस काबिल बनाओ पहले कि लोग मोबाइल से या कैमरे से आपको आपको आपके वीडियो बनाए, आपके फोटो कैप्चर करें, ना कि आप दूसरों के बनाए, अपने आप को उस काबिल बनाओ कि लोग आपके पीछे आए, ना कि आप लोगों के पीछे जाओ, आपको लीडर बनना है, आपको ऑफिसर बनना है, सिंपल ऑडियंस बन के नहीं रहना है, भीड़ बन के नहीं रहना है, और वो राइट टाइम वो आपके आज आपके हाथ में है, अगर आपको फॉलो कर लोगे तो वन डे आपका भी ऐसे ही नाम होगा, फोटो आएंगे, एक दिन सितारे जो स्टार्स हैं उनको आपको पहना देंगे, मुझे भी मौका मिलेगा, अभी एनडीए पीओपी के लिए मैं खड़कवासला जा रहा हूँ, 146 कोर्स की पीओपी, हर बार जाता हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट वहाँ पे जब पास आउट होते हैं परेड करते हैं, वो फाइनल परेड करते हैं, आप यकीन नहीं कर सकते कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं, जो जो कितने हजारों बार कर चुका हूँ ये, और मैं खुद भी बहुत बार परेड कर चुका हूँ अपने नेवी के टाइम पर, लेकिन फिर भी उस दिन ऐसा लगता है यस कुछ खास पाया है, कुछ अलग मिला है, वो एहसास वो जो फीलिंग है वो ऐसे मैं बयान नहीं कर सकता, और मैं चाहता हूं कि आप में से बहुत अधिक संख्या में एक दिन उस परेड ग्राउंड में पास आउट हो, चाहे वो आर्मी हो, नेवी हो, एयरफोर्स हो, तब आज ये जो बात मैं आज आपको कह रहा हूं तब वो फीलिंग आपको उस दिन उसका एहसास होगा कि सर जा गया है, और ये सिंपल आपके हाथ में है, किसी और के हाथ में नहीं है। बहुत सारे लोगों को एनडीए का हवा है कि कैसे होता है क्या होता है, एक सिंपल सी चीज मैं आपको आज दिखाना चाह रहा हूं कि इस हार्डवर्क और इस स्मार्ट हार्डवर्क में क्या फर्क होता है। 2-3 दिन पहले AIR 44 आया था यहाँ पे, आप में से कुछ लोग मिले भी होंगे, जो NDA 152nd कोर्स ज्वाइन करने वाला है उसका फोटो वहां पे भी लगा हुआ है, पदमजा पे लगा हुआ, अभी 2-3 दिन पहले यहाँ पे आया था, और हो सकता है आप में से कुछ लोगों से मिला आप लोगों से, कोई था उसमें यहाँ पे, एक आद था, ही गॉट AIR 44 और उसके टोटल मार्क्स थे एनडीए और एसएसबी में मिला के अराउंड 872 रिटर्न टेस्ट और एसएसबी में मिला के, यानी कि 900 रिटर्न टेस्ट और 900 एसएसबी के, 1800 में से 872 उसके मार्क्स थे, यानी कि 50% से भी 50% से भी कम, एंड ही गॉट 44 रैंक। आप लोगों को मैंने जनरली देखता भागते रहते हैं 100% लाने रिक्वायर्ड ही नहीं है वो, ये आप चार देख रहे हो, हर साल का एनडीए 20 से लेके 15 से लेके कई सालों का, इसमें रिटर्न टेस्ट के मार्क्स 355 जो ये आप देख रहे हो सर से, ये कट ऑफ में आए गए 342, 325, ये कट ऑफ लिस्ट है हर साल की। अब आप ये स्क्रीन में देखो ध्यान से,
2023 सेकंड वाले का अभी अपडेटेड नहीं है, उससे पहले जो कट ऑफ गई थी एसएसबी और इंटरव्यू में मिला के जो मेरिट लिस्ट में बच्चा है उसके 664 मार्क्स थे टोटल और मेरिट लिस्ट में था, यानी कि 301 नंबर उसके रिटन टेस्ट में थे और बाकी जो बच्चे हैं वो उसके एसएसबी में थे, टोटल मिला के ही गॉट 664 मार्क्स आउट ऑफ 1800 एंड ही गॉट रिकमेंडेड और ही वाज इन द मेरिट लिस्ट। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं, ऐसी हर साल का यहां पे आपके सामने डाटा है। अब इस दूसरों को भी ध्यान से देखो, ये एनडीए 2023 का है 301, जो इसके मार्क्स थे रिटर्न टेस्ट में और इंटरव्यू के मिला के आउट ऑफ 1800 ही गॉट और शी गॉट 664 मार्क्स, जो लास्ट रिकमेंडेड कैंडिडेट था जो मेरिट लिस्ट में था उसके सिर्फ 664 मार्क्स थे, 664 मार्क्स आउट ऑफ 1800 और वो मेरिट लिस्ट में था। तो आप अंदाजा ला सकते हो कि इट इज नॉट एज डिफिकल्ट एज एज रूमर फैला हुआ था कि क्या होगा कैसे होगा। द ओनली थिंग इज नेगेटिव मार्किंग को टैगल करना आना चाहिए बस। मैथ के 120 क्वेश्चंस हैं, मालूम है आपको, मालूम है ना सबको, 120 क्वेश्चंस में से 120 के लिए आपको भागना ही नहीं है। अगर आप भाग रहे हो तो सबसे बड़े बेवकूफ हो। 50 और 60 मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको देखने हैं जो आपके सही होने चाहिए, उतनी ही प्रैक्टिस करनी है आपको, लेकिन सही होने चाहिए वो सारे के सारे। तो इसलिए प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। जो बच्चे हमारे वीकली टेस्ट अटेंड करते हैं उसको इस तरीके से सॉल्व करते हैं, ज्यादातर वही बच्चे रिटन टेस्ट क्वालिफाई करते हैं, ये प्रूवन है। 19 सालों से हम लगातार देखते आ रहे हैं, क्वालिफाई करो, हर एक क्वालिफाई जो भी रिटन टेस्ट क्वालिफाई करेगा ही और शी विल गेट रुपीज 1000 कैश अवार्ड और फिर फाइनल मेरिट लिस्ट में जो आएगा ही विल गेट और शी विल गेट रुपीज 10000 कैश अवार्ड। ये यहाँ की प्रथा है, जो सपने आप, जो उम्मीदें आप, जो लक्ष्य आप यहाँ के लिए या आए हैं उसको पूरा करें, जानकारी के अभाव में वो अधूरा ना रह जाए, मिस कम्युनिकेशन की वजह से वो अधूरा ना रह जाए, छोटी छोटी जो मिस्टेक्स होती हैं, लापरवाही होती है, उनकी वजह से ये अधूरा ना रह जाए। क्योंकि जिंदगी में सब कुछ आ जाएगा दोस्तों, लेकिन जो ये टाइम है अभी ये दोबारा नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा, सब कुछ आ जाएगा, मोबाइल, दोस्त, घूमना फिरना, सब कुछ वापस आ जाएगा, ये टाइम नहीं आएगा, इसको यूटिलाइज करना है पॉजिटिव में लेके। कभी किसी को भी किसी तरह का डाउट कोई लगता है, दिक्कत है, कुछ है, यू ऑल आर लाइक माई सन्स, आप सबकी उम्र जब आप पैदा भी नहीं हुए थे तब तुम डिफेंस अकेडमी खुल चुकी थी, जब आप पैदा भी हुए थे तब से ये अकेडमी चल रही है, मेरा कहने का मतलब यह है। तो इसलिए यकीन रखो, विश्वास रखो हम पे, आपके टीचर्स पे और सबसे बड़ी बात खुद पे, फिर मंजिल दूर नहीं है, फिर सब कुछ मिल जाएगा, क्योंकि लक्ष्य को, लक्ष्य को, लक्ष्य को, लक्ष्य को, लक्ष्य को याद रहे गूंज। और आज मेरे साथ आप एक शपथ भी लेंगे, एक शपथ तब होगी जब आपका फाइनल सिलेक्शन होगा और आर्मी नेवी एयर फोर्स में होती है, एक शपथ होती है वहां पे भी, और एक शपथ आज आप मेरे साथ लेंगे। खड़े हो जाओ, अपने अपने दिलों पे हाथ रख लो और मन में सच्चे मन से एक बार उसका स्मरण करो जिसको आप जिंदगी में सबसे ज्यादा मानते हो, जिसको सबसे ज्यादा एडमायर करते हो, जिसकी सबसे ज्यादा रेस्पेक्ट करते हो, मदर, फादर, सिस्टर, ब्रदर, एनीबॉडी, उसका स्मरण करो, उसको साक्षी मानते हुए मेरे साथ आप दोहराए आपको, मैं आज शपथ लेता हूं,
कि मैं पूरी ईमानदारी मेहनत लगन एवं कठोर परिश्रम के साथ अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रयास करूंगा। मैं डीडीए द्वारा बनाए गए नियमों को ध्यान रखूंगा और उसका पालन करूंगा। उसे समय पर कंप्लीट करूंगा। मैं आज ये वचन देता हूँ कि मैं अपने अपने माता पिता के सपनों को जिसमें वर्दी पहनने का आशा है, उम्मीद है, उसको एक दिन जरूर पूरा करूंगा और लक्ष्य को पाके रहूंगा। Kindly subscribe D-Day YouTube channel and don't forget to press bell icon.